क्या फ्री फायर प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाए? क्या फ्री फायर की सारी वीडियोस यूट्यूब से डिलीट कर दी जाएगी? क्या फ्री फायर हर प्लेटफॉर्म से बेदखल हो जाएगा? सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि आप सबको पता लग चुका होगा, क्राफ्टन कंपनी यानी अपनी पबजी की जो कंपनी है उसने कर दिया है फ्री फायर पे केस। अब देखते हैं फ्री फायर उससे क्या करता है। सो गाइस, मेरा नाम है चमकादड़ और वेलकम टू वैम्पायर नाइट्स गेमिंग यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता लगा है कि फ्री फायर को फाइन देना पड़ेगा या फिर फ्री फायर को बंद होना पड़ेगा। एंड इस वीडियो में मैं दो वैलिड पॉइंट बताऊंगा जिससे कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पबजी को फ्री फायर पर कोई केस भी करना चाहिए। 5-6 पॉइंट में मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, मैं दो पॉइंट में बताऊंगा और दो पॉइंट इतने वैलिड निकल जाएंगे यार कि बाकी के पॉइंट बताने की जरूरत ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, ग्राफिक्स, एनिमेशन, एडिटिंग, सेंसिटिविटी, साउंड, सब चीज इसी में आ गई है पॉइंट नंबर 1 में। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पबजी एक तरफ है और फ्री फायर एक तरफ है। दोनों के ग्राफिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। आप देख सकते हो सेंसिटिविटी में दोनों की में जमीन आसमान का अंतर है। एंड आप देख सकते हो कि लॉबी में सारी सेटिंग्स की सारी जो स्टार्टिंग होती है। एंड सेकंड वैलिड पॉइंट इस बात से पता चलता है कि फ्री फायर 2017 में आया था जहां की पबजी आया था 2018 में। एंड आपको बता दूं कि पीसी वाला पबजी था जो आया था बहुत साल पहले, तो उसकी बात नहीं कर रहे आप। मोबाइल और पीसी में जमीन आसमान का अंतर होता है, इतना तो कॉमन सेंस होगा क्राफ्टन वाले में। एंड अब बात आती है फ्री फायर के मेन टॉपिक की कि क्या यूट्यूब से और प्ले स्टोर से फ्री फायर को रिमूव कर दिया जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि फ्री फायर इतने सालों से वैसे ही नहीं खेल रहा, तो ये सब पहले सोच के चला था वो। ये सब पहले भाई सोच के चला होगा इतना बड़ा गेम कि मेरे सामने ऐसी डिफिकल्टीज मैं फेस कर सकता हूँ। तो ऐसा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार, ऐसा हो सकता है? उसने ये पहले देखा नहीं होगा। नहीं, वो इतना पागल तो है नहीं कि उसने देखा ही नहीं होगा कि पबजी एक बैटल रॉयल गेम पहले से अवेलेबल है पीसी में। उसने ये बात तो नोटिस की नहीं होगी क्योंकि है ना, उसने ये बात पूरी तरह से नोटिस करके तब ही अपना गैरिना लॉन्च किया यार। सो गाइस, होप सो यार आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चमकादड़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम नहीं करोगे कोई बात नहीं, चैनल का नाम याद रख लो, चैनल पे भटकते रहा करो बस। मिलते हैं अगली वीडियो।